बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय, श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। स्वामी रामानंद जी से एक बार किसी ने प्रश्न किया, स्वामी जी मनुष्य का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है? स्वामी रामानंद जी ने कहा, अगर मनुष्य अपने कल्याण को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए ईश्वर कृपा आवश्यक है। प्रश्न फिर आया, ईश्वर कृपा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उत्तर मिला, ईश्वर कृपा को प्राप्त करने के लिए मन का, हृदय का शुद्ध होना अति आवश्यक है। और मन की शुद्धि कैसे हो सकती है? उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी कि आपकी भेंट एक ऐसे संत से करवा दें जो आपके जीवन में आए और आपके अंतःकरण में ईश्वर को प्रकट कर दें। तभी मन शुद्ध हो सकता है, तभी हृदय शुद्ध हो सकता है। इस संसार को हम देखें, इस संसार में जीव माया के बंधनों में जकड़ा हुआ है। माया के बंधनों में जकड़ा हुआ अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत करता है, अपने संपूर्ण जीवन को जीता है। संत जीवन के भीतर आते हैं, वे माया की इन श्रृंखलाओं को काटते हैं और मनुष्य को ऐसे बंधन के भीतर बांध देते हैं जो बंधन समस्त बंधनों से विमुक्त कर दिया करता है। इसीलिए हमारे ग्रंथों के भीतर संत की महिमा का वर्णन किया गया, गाई गई। कबीर जी ने कहा, सब धरती कागद करूं, लेखन ही सब बनराए, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। उन्होंने कहा सब धरती कागद करूं, अगर ये समस्त धरती मेरे लिए कागज हो जाए, लेखन ही सब बन रहा है और समस्त वनस्पति जो है वो मेरे लिए कलम के रूप में परिवर्तित हो जाए, एक लेखनी बन जाए, सात समुद्र की मसी करूं, सातों समुद्रों का जल अगर स्याही हो जाए, इतने अनंत साधन मुझे मिल जाए और मैं गुरुदेव की महिमा को लिखने के लिए बैठूं, तो कबीर जी ने कहा मैं गुरुदेव की महिमा का फिर भी वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु गुण लिखा ना जाए, क्योंकि गुरु की महिमा को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, अक्षरों में बांधा नहीं जा सकता। संत की महिमा, संत मनुष्य के जीवन को दिशा प्रदान करते हैं, उसके जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं और उसे अपने जीवन के उद्दिष्ट तक पहुंचाने के लिए उसका मार्गदर्शन किया करते हैं। संत मनुष्य के जीवन को कल्याण पथ की ओर ले जाते हैं। ऐसी ही एक घटना श्री रामचरितमानस के भीतर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं काकभुशुंडी जी की गाथा को। संत शिरोमणि काकभुशुंडी जी मानस के इस भाग के भीतर अपने पूर्व जन्म की गाथा का वर्णन करते हैं। आइए उन्हीं की गाथा को सुनते हैं और समझते हुए सीखते हुए चलते हैं उनकी गाथा से। काकभुशुंडी जी कहते हैं, अपने पूर्व जन्म में मैंने अयोध्यापुरी के भीतर जन्म लिया था। भगवान शिव की मैं उपासना करता था, भगवान शिव का ध्यान करता था, भगवान शिव की उपासना करता था, लेकिन अन्य देवताओं को नहीं मानता था। अन्य देवों का मेरे हृदय में कोई भी स्थान नहीं था। अपार धन संपत्ति मिली थी, अतः धन का मत था, धन का अहंकार था, और उससे भी बड़ा अहंकार था मुझे अपनी भक्ति का। मुझे गर्व था, मुझे दंभ था कि मैं भगवान शिव का एकनिष्ठ भक्त हूं, मैं भगवान शिव का अनन्य भक्त हूं। और यहीं पर थोड़ा सा विचार करते हुए चलें, काक के मन के भीतर दंभ था मैं शिव का एकनिष्ठ भक्त हूं, भगवान शिव को मानता था, लेकिन अन्य देवों के लिए उसके हृदय में कोई भी स्थान नहीं था। आज भी संसार के भीतर हमें ऐसे अनेक लोग मिल जाएंगे, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, लेकिन भगवान के किसी एक रूप तक अपने मन को बांध के रख लेते हैं, अपने मन को बद्ध कर लेते हैं। और इसीलिए संसार के भीतर ईश्वर को जाना नहीं, ईश्वर को समझा नहीं, और जब ईश्वर का साक्षात्कार किए बिना ईश्वर का पूजन करते हैं तो अपनी धारणाएं, अपनी मान्यताएं बन जाती हैं। और इन धारणाओं में अनेकों धारणाएं ऐसी हैं जिनमें ईश्वर के रूप को लेकर ही धारणाएं बन जाती हैं, मान्यताएं बन जाती हैं।
संसार में अनेकों द्वंद्व उभर कर सामने आ जाते हैं। और कैसे द्वंद्व? कोई कहता है कि मैं निर्गुण को मानता हूं, कोई कहता है मैं सगुण को मानता हूं, किसी ने कहा मैं साकार की पूजा करता हूं, किसी ने कहा मेरी धारणा मेरी आस्था तो निराकार के भीतर है, मैं तो मात्र निराकार की ही उपासना करता हूं, मैं साकार को नहीं मानता। और संतों की मान्यता क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, गोस्वामी जी आप किसे मानते हैं, निर्गुण को या सगुण को? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। उन्होंने कहा अगर मेरे दृष्टिकोण पूछते हो तो मेरी दृष्टि में तो अगुण ही सगुण ही, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। कबीर जी से किसी ने पूछ लिया, कबीर जी आप किसे मानते हैं, निर्गुण को या सगुण को? कबीर जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण तो महतारी, किसको बिंदे किसको निंदे, दोनों पलड़ा भारे। उन्होंने कहा निर्गुण है सो पिता हमारा, ईश्वर अगर निर्गुण है तो वो मेरे लिए मेरा पिता है, और सगुण तो महतारी, अगर ईश्वर सगुण है तो वो माँ है, किसको बिंदू किसको निंदू, मैं किसकी वंदना करूं और किसकी निंदा करूं, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है। एक बच्चे के जीवन के भीतर जितनी अहम भूमिका माता की हुआ करती है उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका पिता की भी हुआ करती है। अंतर कहाँ होता है? भला दोनों ही चाहते हैं बच्चों का, लेकिन भेद कहाँ है? इस संसार में पिता अक्सर अपने नियमों के लिए प्रसिद्ध हुआ करते हैं, अपने नियमों को आसानी से नहीं तोड़ते, और माँ अपनी विशाल हृदयता के लिए प्रसिद्ध हुआ करती है। बच्चा बड़ी से बड़ी भूल करके माँ के सम्मुख चलाए, माँ उसकी बड़ी से बड़ी भूल को क्षमा कर दिया करती है। ईश्वर अगर निर्गुण है तो पिता है, अगर सगुण है तो माँ है। निर्गुण है तो अपने नियमों के भीतर बंधा है, अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहता, अपने नियमों को तोड़ता नहीं है। लेकिन वही ईश्वर जब भक्तों के भाव के वशीभूत, भक्तों के प्रेम के वशीभूत, भक्तों का कल्याण करना चाहता है, तो वही ईश्वर सगुण के रूप में इस धरा पर अवतरित होता है, वही ईश्वर साकार रूप में गुरु के रूप में इस धरा पर आता है और एक शिष्य के जीवन में निराकार का परिचय उसे प्रदान कर देता है, निराकार से उसे परिचित करवा देता है। स्वामी रामतीर्थ जी से किसी ने पूछ लिया, स्वामी जी आपकी दृष्टि में ईश्वर कौन है, ईश्वर मिस हैं या मिस्टर हैं? स्वामी रामतीर्थ जी ने उत्तर दिया ईश्वर ना मिस हैं ना मिस्टर हैं, ईश्वर एक मिस्ट्री है, ईश्वर एक भेद है। और भक्तजनों इस भेद को खोलते हैं संत। संत जीव को दीक्षा प्रदान करते हैं, मनुष्य को ज्ञान प्रदान करते हैं, और मनुष्य अपने अंतर जगत में जब ईश्वर को देखता है दर्शन करता है फिर समझ पाता है कि ईश्वर एक ही है, ईश्वर कोई दो नहीं है कोई तीन नहीं है। ईश्वर ने अवश्य इस संसार के भीतर अनेकों रूपों में जन्म धारण किया, अवतार धारण किया, प्रकट हुए, लेकिन ईश्वर का तत्व रूप एक है, ईश्वर तत्व रूप में एक ही है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं एको सद विप्रा, ईश्वर जो है एक है, परमात्मा एक है। संत शिरोमणि काकभीशुंडी जी अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे मन के भीतर भेद था ईश्वर के रूपों में, मैं मात्र भगवान शिव की पूजा करता था, अन्य देवों का मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं था। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ा और मुझे अपना स्थान छोड़कर उज्जैन नगरी में जाना पड़ा। कुछ समय कष्ट में व्यतीत हुआ, उसके पश्चात मैंने शीघ्र ही बहुत सारी संपत्ति एकत्रित कर ली और फिर मैं पहले की तरह भगवान शिव की पूजा करने लगा। उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण रहा करते थे, भगवान शिव की पूजा करते थे, वेद विधि से भगवान शिव की आराधना करते थे। भगवान शिव की पूजा करते थे लेकिन वे अन्य देवों का विरोध नहीं करते थे, अन्य देवों को भी मान्यता देते थे, ज्ञान में पारंगत थे। उनसे मैं अत्यंत प्रभावित हुआ और मैंने उनसे ज्ञान को प्राप्त किया। उन्होंने मुझ पर कृपा कर मुझे ज्ञान दिया, दीक्षा दी, और जिस समय मैंने ज्ञान को प्राप्त किया मेरे मन के भीतर अपनी भक्ति का दंभ और बढ़ गया। मैं और भी अहंकार के साथ शिव की पूजा करने लगा, भगवान शिव की उपासना करने लगा। मेरे गुरु ने मेरे व्यवहार को देखा, मुझे समझाने की चेष्टा की अनेक बार, लेकिन मैं उनकी किसी बात को नहीं सुनता था, उनकी किसी बात को श्रवण नहीं करता था।
एक बार गुरुदेव ने मुझे बैठाया और मुझे समझाया, देखो भगवान शिव और भगवान राम में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव श्री राम से प्रेम करते हैं और श्री राम भगवान शिव से प्रेम करते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। ब्रह्मा और शिव जिन श्री राम के चरणों की पूजा करते हैं, जिन श्री राम के चरणों की सेवा करते हैं, तो मुनि से विरोध करके मुक्ति चाहते हो। गुरुदेव ने मुझे अनेकों तरह से समझाया, लेकिन मुझे सभी बातों में से मात्र एक बात समझ में आई, और वो बात कौन सी, कि भगवान शिव जिन श्री राम के चरणों के सेवा करते हैं उनके सेवक हैं। और जैसे ही मैंने इस बात को सुना, मेरे मन के भीतर गुरुदेव के प्रति ही द्रोह उत्पन्न हो गया। मेरे गुरुदेव, उन्होंने भगवान शिव को श्री राम के चरणों का सेवक कैसे कहा? मैंने अपने गुरुदेव से ही अपने मन के भीतर द्वेष उत्पन्न कर लिया। एक समय की बात है, मैं भगवान शिव के मंदिर के भीतर बैठा था, भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। मेरे गुरुदेव मंदिर के भीतर आए। जैसे ही मैंने ये जाना, मैंने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करना तो बहुत दूर, अपने मन के द्वेष को लेकर, अपने मन की दुर्भावना को लेकर मैं अपने स्थान से उठा तक नहीं। मेरे गुरुदेव दयालु थे, उन्होंने मेरी इस भूल को क्षमा कर दिया, उन्होंने मेरे इस दोष को अनदेखा कर दिया। लेकिन मंदिर के भीतर जो महादेव उपस्थित थे, उनसे मेरा ये दोष सहन नहीं हुआ, और उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तेरे सम्मुख तेरे गुरु उपस्थित हैं और तूने उन्हीं गुरु का इतना बड़ा निरादर कर दिया। अवश्य तेरे गुरु दयालु हैं, अवश्य उन्होंने तुझे कोई दंड नहीं दिया, लेकिन अगर मैं तुझे दंड नहीं दूंगा तो मेरी वेद रीति समाप्त हो जाएगी। जो गुरु के साथ द्रोह करता है वह कोटि जन्मों तक रौरव नरक में जाता है और हजारों जन्मों तक अनेकों योनियों में भटकता है, अनेकों कष्टों को प्राप्त करता है। मैं तुझे श्राप देता हूं तो अनेकों योनियों में भटकेगा, हजारों योनियों में भटकेगा, अनेकों कष्टों को ग्रहण करेगा। तेरे गुरु तेरे सम्मुख आकर उपस्थित हुए और तू सर्प की भांति निश्चल बैठा रहा। मैं तुझे श्राप देता हूं तो भयंकर सर्प होकर उत्पन्न होगा। जैसे ही ये सुना, मैं भय के मारे कांपने लगा। और यहां पर हम इस घटना को थोड़ा सा रोकते हैं, थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। गुरु ने काक को समझाया, काक को बताया कि देखो भगवान शिव और भगवान राम एक ही हैं, अपने हृदय में दोनों को ही संभाव से मानो और दोनों की संभाव से पूजा करो, दोनों को ही समान भाव से उन दोनों की ही पूजा करो। गुरु के वचन हुए काक के लिए, लेकिन काक ने क्या किया, काक ने गुरु से ही द्रोह कर लिया, गुरु के प्रति द्वेष अपने मन के भीतर रख लिया। और जब गुरु के प्रति द्वेष मन के भीतर रखा, गुरु के वचनों का निरादर कर दिया, गुरु का निरादर कर दिया, परिणाम क्या हुआ, जिन भगवान शिव की पूजा करता है, जिन भगवान की भक्ति पर, जिन भगवान शिव की भक्ति करने का उसे दंभ है, उसे अहंकार है, मैं इतना एकनिष्ठ भक्त हूं भगवान शिव का, आज गुरु का निरादर किया, गुरु का अपमान किया, गुरु के वचनों का, शब्दों का निरादर कर दिया, परिणाम उन्हीं भगवान शिव ने काक को श्राप दे दिया, उन्हीं के द्वारा उन्हें श्रापित होना पड़ा। और सच में हमारे शास्त्र कहते हैं, गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष, गुरु निंदक जग में दुखी, मोए ना पाए मोक्ष। गुरु आज्ञा माने नहीं, जो गुरु के वचनों को नहीं मानता, जो गुरु के शब्दों का, उनकी आज्ञा का अनुसरण नहीं करता, गुरु आज्ञा माने नहीं और गुरु पर दोषारोपण करता है, गुरु से विद्रोह करता है, गुरु से द्वेष करता है, संत कहते हैं गुरु निंदक जग में दुखी, मोए न पाए मोक्ष। ऐसा गुरु निंदक इस संसार में भी दुख को प्राप्त करता है और मृत्यु के पश्चात भी उसे मोक्ष नहीं मिलता, मृत्यु के पश्चात भी वो सदगति को प्राप्त नहीं कर पाता। गुरु के वचनों को जो हृदय में धारण कर लिया करते हैं, जिन्होंने गुरु के वचनों को अपने मन के भीतर धारण किया और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर लिया, उन्हीं वही अपने जीवन का कल्याण कर पाते हैं। इसलिए श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सद्गुरु वैद वचन विश्वासा। उन्होंने कहा, सद्गुरु वैद, अगर इस भव रोग से मुक्त हो जाना चाहते हो तो तरीका क्या है, सद्गुरु वैद, गुरु को वैद्य के रूप में धारण कर लो। जब एक व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वैद्य के पास जाता है, और तीन वस्तुएं होती हैं, वैद्य, दवा और पथ्य।
वैद्य के पास जाते हैं तो वैद्य दवा देता है, पथ्य बताता है क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और पथ्य का अर्थ क्या हुआ करता है? पथ्य अर्थात कोई ऐसी वस्तु जिसे दवा के साथ लेने से दवा शीघ्र प्रभाव करने लगती है। जैसे बहुत बार हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि इस दवा को लेना और इसे गर्म पानी के साथ लेना, इसे गर्म दूध के साथ लेना, इसे ठंडे दूध के साथ लेना, अथवा इसे शहद के साथ लेना। किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये गर्म दूध, ठंडा दूध, शहद, गर्म पानी, ठंडा पानी, ये जिसके साथ भी डॉक्टर ने उस दवा को लेने का निर्देश दे दिया, जिसके साथ भी लेने के लिए कह दिया, वो दवा अधिक असरकारक हो जाती है, अधिक प्रभाव करने वाली हो जाती है। पथ्य अर्थात वो वस्तु जिसके साथ दवा का सेवन किया जाए तो दवा अधिक प्रभावशाली हो जाए। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, गुरु रूपी वैद्य हो और गुरु रूपी वैद्य के वचनों पर विश्वास कर ले, संयम यह ना विषय का रासा। और जब उस दवा को ग्रहण करे तो संयम ये कि संसार के विषयों की आशा मन के भीतर ना रखे। रघुपति भक्ति संजीवनी मूरी। सद्गुरु फिर दवा प्रदान करते हैं और दवा क्या देते हैं? रघुपति भक्ति, भगवान की भक्ति रूपी दवा मिलती है। और उस दवा को पान करने के लिए, उस दवा को ग्रहण करने के लिए अनुपान श्रद्धा मति पूरी, उन्होंने कहा उसके साथ पथ्य होता है, अनुपान होता है, और अनुपान क्या होता है? श्रद्धा। श्रद्धा के साथ जब भक्ति की जाती है, श्रद्धा रूपी पथ्य के साथ जब भक्ति रूपी दवा का सेवन किया जाता है तो अवश्य ही जीव का कल्याण होता है। मनुष्य गुरु को अपने जीवन के भीतर धारण करता है, उनके समस्त वचनों पर विश्वास करते हुए श्रद्धा से उनकी भक्ति करता है, अवश्य ही कल्याण पथ की ओर बढ़ चलता है, अवश्य ही कल्याण की प्राप्ति कर लेता है। इसीलिए हमारे ग्रंथों के अंदर कहा गया, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु के वाक्य मंत्र की तरह होते हैं, जिन्होंने इन वाक्यों को अपने मन के भीतर धारण किया, उनका अनुसरण किया, उन्होंने ही संसार के वेद संत कहते हैं, एह लोक सुखिये परलोक सुहेले। उन्होंने इस लोक में भी सुख की प्राप्ति की और वो परलोक भी उनका संवर गया, उनका परलोक भी सुधर गया, जिन्होंने गुरु के वचनों को जीवन में धारण कर लिया। माँ शबरी, गुरु ने कहा था, मुनि मतंग ने कहा था, शबरी प्रतीक्षा करना, तेरी कुटिया में राम आएंगे। माँ ने, माँ शबरी ने अपना संपूर्ण जीवन प्रतीक्षा में ही बना दिया, प्रतीक्षा में लग गई। अनेकों लोग थे, अनेकों तरह के व्यंग्य कसते, अनेकों तरह की बातें कहते, अनेकों तरह से उन्हें हटाने का प्रयत्न करते, लेकिन शबरी अडिग थी मात्र इन शब्दों पर, मेरे गुरु ने कहा है राम आएंगे तो राम आएंगे। प्रतीक्षा कोई एक दिन की नहीं थी, कुछ घंटों की नहीं थी, कुछ दिवसों की प्रतीक्षा नहीं थी, अनेकों वर्षों की प्रतीक्षा थी, निश्चित प्रतीक्षा नहीं थी। ऐसा नहीं था कि शबरी को बता दिया गया इस तिथि में, इस समय में ये वक्त रहेगा, ये समय रहेगा और श्री राम तुम्हारी कुटिया में आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं था। अनिश्चित प्रतीक्षा थी, अनिश्चित काल तक। लेकिन शबरी ने मात्र अपने गुरुदेव के वचनों को हृदय में धारण रखा, अपने गुरुदेव के वचनों को धारण किया हृदय के भीतर, और उन्हीं वचनों का पालन करते हुए श्री राम की प्रतीक्षा में रत रही, और परिणाम समय बीता और श्री राम शबरी की कुटिया तक आए, उसके आतिथ्य को ग्रहण किया। गुरु के वचन, हमारे ग्रंथ कहते हैं, गुरु के वचन प्रतीति न जेही, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि देही। जिन्हें गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, उन्हें स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, वे स्वप्न में भी सुख की उपलब्धि नहीं कर सकते। जिन्होंने गुरु वचनों को अपने हृदय में धारण किया, उन्हें ही जीवन में सुख की उपलब्धि हो सकती है, उन्हें ही जीवन में सुख की प्राप्ति हो सकती है। जिस समय बारिश होती है, वर्षा होती है, किसान क्या करता है? जो चतुर है वह किसान क्या करता है? वह अपने घर के भीतर सोता नहीं है आराम से, वो अंधेरे में भी उठ जाता है और उस वर्षा के संपूर्ण जल को अपने खेतों की ओर मोड़ लेना चाहता है, उस वर्षा का जल अपने खेतों की ओर मोड़ लेता है, और वही किसान जो है वो फसल का सुख प्राप्त कर पाता है। जिन्होंने गुरु वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया, वही गुरु के बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं और वही अपने जीवन का कल्याण करते हैं। एक फौजी जिस समय फौज में भर्ती होता है,
उसकी ट्रेनिंग होती है, रिक्रूट ट्रेनिंग। उसमें उसे चलना सिखाया जाता है। उसके कदमों को ठीक 30 इंची ही उसने कदमों को लेना होता है, 30 इंचेस से ज्यादा वो कदम नहीं उठा सकता। प्रतिदिन अभ्यास करता है और ये अभ्यास उसकी रगों में, उसकी नसों में इतना गहरा उतर जाता है कि वो अपनी चाल भूल जाता है। और फिर कभी छुट्टी मिलती है, घर आता है, अथवा कभी रिटायर भी हो जाता है, वर्षों भी बीत जाते हैं उसको भी, लेकिन वे अपनी चाल से ही पहचाना जाता है कि ये अवश्य ही फौजी है। गुरु शिष्य के मन की चाल बदल देता है। जो शिष्य गुरु के शब्दों का अनुसरण करता है, गुरु के वचनों का अनुसरण करता है, वह उसके मन की चाल बदल देता है। फिर उसके लिए चाहे गुरु को कितने ही जन्मों तक उस शिष्य का पीछा क्यों ना करना पड़े। संत के वचन, गुरु के वचन जिसने अपने हृदय के भीतर धारण कर लिए, उसी ने अपने जीवन का कल्याण किया। और जहां गुरु के शब्दों की उल्लंघना हुई, संत कबीर कहते हैं, सतगुर शब्द उल्लंघ के जो सेवक जह जाई, जहां जाए तह काल है, कहे कबीर समझाई। गुरु के शब्दों का उल्लंघन करके अगर व्यक्ति कहीं भी जाता है, गुरु के शब्दों का उल्लंघन कर जाता है, अतिक्रमण कर जाता है, तो जहां जाए तह काल है, कहे कबीर समझाए। कबीर जी कहते वो जीव अवश्य ही काल के वश में हो जाता है, अवश्य ही काल के बंधन में बंध जाता है। आदि शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा, किम विषम, विष क्या है? आदि शंकराचार्य जी ने कहा, अवधीरना गुरुषु, गुरु की अवहेलना करना ही विष है। गुरु के शब्दों की, गुरु के वचनों की अवहेलना करना ही विष है। जिसने गुरु के वचनों की अवहेलना कर दी, जिसने गुरु के शब्दों की अवहेलना कर दी, उसी ने अपने जीवन के भीतर विनाश को आमंत्रित कर लिया। गुरु के वचन। काकभिशुंडी जी अपनी कथा के साथ आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा, भगवान शिव ने मुझे श्राप दे दिया। भगवान शिव के श्राप को जैसे ही मैंने सुना, मैं थर थर कांपने लगा, मैं अत्यंत भयभीत हुआ। मेरे गुरु ने जैसे ही इस भयंकर श्राप को सुना, मेरे गुरु ने तुरंत महादेव के आगे हाथ जोड़ दिए, हे प्रभु आप कृपा कीजिए, प्रभु आप दया कीजिए। महादेव के चरणों में अपनी विनय रखी, अपनी प्रार्थना, अपनी स्तुति रखी। महादेव प्रसन्न हुए। महादेव ने मेरे गुरुदेव से कहा, मैं अति प्रसन्न हूं विप्रवर, आप वर मांगिए। मेरे गुरुदेव ने कहा, हे प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो आप इतना ही वर दीजिए, मुझे मात्र इतना वरदान दीजिए। ये जीव निकृष्ट बुद्धि का है, माया के वशीभूत है। माया इसे अपने बंधन से मुक्त नहीं करना चाहती, और इसी माया के वशीभूत ये दुर्बुद्धि का शिकार हो जाता है। आपने इसे इतना कठिन श्राप दे दिया, आप मुझ पर प्रसन्न है तो इतनी कृपा कीजिए, इसके श्राप को समाप्त कर दीजिए अथवा इसके श्राप को कम कर दीजिए। भगवान महादेव ने कहा, यद्यपि इसने बहुत कठोर अपराध किया है, बहुत भयंकर अपराध किया है, और हमने भी अत्यंत क्रोध में आकर ही इसे श्राप दिया है, लेकिन फिर भी आपकी परहित की भावना से, आपकी दयालुता की भावना से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, और हम अवश्य ही अपने श्राप को कम कर देंगे। ये अवश्य ही 1000 जन्मों में जाएगा, 1000 योनियों को प्राप्त करेगा, लेकिन इन योनियों में जो जन्म का, जो गर्भ का, जो मृत्यु का कष्ट होता है, मेरी कृपा से इसे वह कष्ट नहीं होगा, और ये शीघ्र ही मेरे वरदान से, मेरी अनुकंपा से ये शीघ्र ही मनुष्य जन्म प्राप्त करेगा, और उस जन्म में ये भगवान श्री राम के चरणों का भक्त होगा, भगवान श्री राम के चरणों में इसकी अति प्रीति बनेगी। और यही सिद्ध हुआ। कालांतर में अनेकों योनियों का भ्रमण करते हुए, अनेकों योनियों से भटकते हुए, काकभिशुंडी जी ने मनुष्य की देह धारण की, और कालांतर में काकभिशुंडी जी भगवान श्री राम के अनुपम भक्त बने। ऐसे अनुपम भक्त, ऐसे अनूठे भक्त कि जिस समय स्वयं भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के मन में मोह उत्पन्न हुआ, उनके मन में संशय उत्पन्न हुआ, तो वे अपने संशय की निवृत्ति के लिए, अपने मोह की निवृत्ति के लिए वो इन्हीं काकभिशुंडी जी की शरण में पहुंचे, और इन्हीं काकभिशुंडी जी ने उन्हें उनके संशय से निवृत्त किया, उन्हें उनके मोह से निवृत्त किया। गुरु की कृपा। काकभिशुंडी जी ने गुरु का अपराध किया, गुरु का अनादर किया, गुरु का निरादर। भगवान शिव ने श्राप दे दिया, लेकिन गुरु की अहेतु की कृपा देखिए। इसे गुरु की अहेतु की कृपा ही तो कहेंगे।
उन्हीं गुरु ने भगवान शिव से प्रार्थना की और काक भुशुंडी का श्राप ना मात्र कम हो गया अपितु वो श्राप वरदान के भीतर बदल गया। वो काक भुशुंडी जो भगवान शिव के अतिरिक्त किसी और देव को अपने हृदय में नहीं लाते थे, वही भगवान श्री राम को समझे, जाने, उनका साक्षात्कार किया और उनके अपूर्व भक्त बन गए। गुरु की अहेतु की कृपा। एक भक्त के जीवन पर गुरु की अहेतु की कृपा हुआ करती है, गुरु की महती कृपा हुआ करती है। गुरु ज्ञान देते हैं, दीक्षा प्रदान कर देते हैं, ये गुरु की प्रथम कृपा है एक जीव के जीवन पर। मन के भीतर जिज्ञासा नहीं है, मन के भीतर प्रेम नहीं है, मन के भीतर ललक नहीं, लगन नहीं है ईश्वर के प्रति, मात्र कहीं एक हल्की सी उत्सुकता है। क्या सच में ईश्वर का दर्शन हो जाएगा? क्या सच में ईश्वर दिख जाएगा? क्यों ना एक बार ईश्वर का साक्षात्कार करके देखते हैं। छोटी सी उत्सुकता, हल्की सी जिज्ञासा की किरण, और गुरु ने मात्र इस किरण को पकड़ लिया और गुरु ने अहेतु की कृपा लुटा दी। अपने आंचल का अनमोल धन जीव को प्रदान कर दिया, मनुष्य को प्रदान कर दिया। ये गुरु की अहेतु की कृपा है। भक्ति पथ आरंभ हो गया, भक्ति मार्ग आरंभ हो गया, दीक्षा मिली, गुरु के दृष्टि पथ में आ गए, गुरु के नजर में आ गए। और जब गुरु की नजर में आए तो गुरु की नजर ऐसी है जो समस्त बंधनों को काट दिया करती है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, कब धूल पे पड़ के कर डाले इसको चंदन कोई क्या जाने, एक नजर गुरु की काटे है कितने बंधन कोई क्या जाने। गुरु की नजर ऐसी है जो कितने बंधनों से मनुष्य को स्वतंत्र कर दिया करती है, मुक्त कर दिया करती है। और यहाँ हम एक सांसारिक कॉन्सेप्ट को देखते हुए चलते हैं, लेते हुए चलते हैं। इस संसार के भीतर जब कोई बच्चा बीमार होता है तो माँ कहती है मेरे बच्चे को नज़र लग गई है, और फिर नज़र उतारने का उपक्रम प्रारंभ हो जाता है। और यही कॉन्सेप्ट, यही धारणा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हुआ करती है। नज़र लगती है भक्त को, किसकी नज़र लगती है? तीन लोगों की। और ये तीन कौन है? औरों की नज़र लगती है, अपनी नज़र लगती है, और अपनों की नज़र लग जाती है। कैसे? औरों की नज़र। ये और कौन है? ये और जो हमारे नहीं हैं। ये और कौन? ये हमारे विकार, हमारे संशय, हमारे भीतर के दुर्विचार, हमारी दुर्भावनाएं जो हमारे नहीं हैं, इनकी नज़र लग जाती है। और इनकी नज़र में जब जीव आ जाता है, इन विकारों के, इन दुर्भावनाओं के दृष्टि पथ में जब जीव आता है तो विनाश निश्चित है। इसीलिए संतों ने जब प्रार्थना की ईश्वर के चरणों में तो उन्होंने ईश्वर से कहा, संत सूरदास जी ने कहा, अब मैं नाच्यो थाक्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध का पहर चोलना कंठ विषय की माल। उन्होंने कहा, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, अब मैं नाच्यो थाक्यो बहुत गोपाल, ये काम आदि विकारों से ग्रस्त होकर मैं थक चुका हूँ, नाचते नाचते ये माया मुझे नचा रही है, मैं इसके बंधन में बंध कर थक चुका हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक ऐसी ही प्रार्थना की। उन्होंने कहा, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, इसमें आए बसे बहु चोरा। तुलसीदास जी ने एक बड़े ही दिलचस्प ढंग के साथ अपनी प्रार्थना रख दी। उन्होंने क्या कहा? मम हृदय भवन प्रभु तोरा, हे भगवान मेरा हृदय आपका घर है, और इस घर के अंदर इसमें आए बसे बहु चोरा, इसमें बहुत से चोर आके रहने लगे, तो आप प्रभु आप रक्षा कीजिए, इन चोरों को बाहर निकाल दीजिए। भगवान ने कहा, तुलसीदास तेरे हृदय में चोर आ गए, तेरे मन में चोर आ गए, तू बाहर निकाल दे। जो चीज घर में अवांछनीय होती है, जिसकी जो बाहर से आती है और जिसकी आवश्यकता नहीं होती, उसे हम बाहर निकाल देते हैं, फेंक देते हैं। तेरे हृदय में चोर है, तू बाहर निकाल दे। तुलसीदास जी ने कहा, मैंने कोशिश तो बहुत की मैं निकाल दूं, लेकिन मैं निकाल नहीं पाया। क्यों नहीं निकाल पाया? मैं एक अमित बटमारा, कोई सुने ना मोर पुकारा। उन्होंने कहा, मैं बेचारा एक, ये इतने चोर, मेरी कौन सुनता है? मैं इनका सामना नहीं कर सकता, मैं इन्हें नहीं निकाल सकता, मैं इन्हें घर से नहीं निकाल सकता, आप कृपा कीजिए प्रभु, आप निकाल दीजिए। आपका घर है, अपने घर से इन चोरों को निकाल दीजिए। भगवान ने कहा, तुलसीदास मेरा घर है ना,
मेरे घर में कोई भी रहे, चोर रहे, साधु रहे, ठग रहे, तुझे क्या चिंता? मैं अपने घर में किसी को भी रखूं? मेरा घर कहा ना तूने? तुलसीदास जी ने कहा, हाँ प्रभु। कहे तुलसीदास, सुन रामा, लूटे ही तस्कर तब धामा। आपका ही तो घर है और आपके घर को चोर लूट रहे हैं। भगवान ने कहा, मेरा घर है, तुझे क्या चिंता? मेरे घर में कोई रहे, चोर, ठग, साधु, मैं किसी को भी रखूं, तुझे क्या चिंता? तुलसीदास जी ने कहा, नहीं भगवान, चिंता तो मुझे है। और चिंता किस चीज की? चिंता यह मोहे अपारा, अपजस होए न राम तुम्हारा। मुझे चिंता है कहीं संसार में आपका अपयश न फैल जाए। देखो, श्री राम का घर है और श्री राम अपने घर को ही चोरों से मुक्त नहीं कर सके। जो भगवान अपने घर से चोरों को मुक्त नहीं निकाल सकता, वो हमारे घर से कैसे निकालेगा? वो हमारी रक्षा कैसे करेगा भला? संसार में आपका अपयश ना फैल जाए, इसलिए मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, मेरा दिल, मेरा हृदय जो आपका घर है, आप इसमें से चोरों को निकाल दीजिए प्रभु। इन काम क्रोध आदि को इस हृदय से निकाल दीजिए। औरों की नज़र, विकारों की, दुर्विचारों की, दुर्भावनाओं की ये नज़र लगती है तो विनाश कर देती है। इसके दृष्टिपथ में आते हैं तो विनाश है। अब दूसरी नज़र, अपनी नज़र। अपनी अर्थात हमने कोई अच्छा कार्य कर दिया, हमारे हाथों से कोई श्रेष्ठ कार्य संपन्न हो गया, और जैसे ही अच्छे कार्य को किया, मन के भीतर झट से अहंकार चला आया, मैंने इतना बढ़िया कार्य किया, इतना श्रेष्ठ, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता, इतना बढ़िया कार्य मैंने कर दिया। अहंकार, और अहंकार है ये अपनी नज़र है जो स्वयं को लग जाती है, और इस अहंकार के दृष्टि पथ में जीव आ जाता है तो यह अहंकार है जो मनुष्य का सर्वनाश कर दिया करता है, जो मनुष्य को समाप्त कर दिया करता है। यह अहंकार ही है जो ईश्वर से दूर करता है। अहंकार का पर्दा ही है जो अंतःकरण में स्थित ईश्वर का दर्शन नहीं करने देता, ईश्वर तक पहुँचने नहीं देता। यह अहंकार ही तो है। अहम की दीवार ही सबसे बड़ी दीवार है, गिर गई दीवार तो दीदार ही दीदार है। यह अहंकार की दीवार ही है जो ईश्वर तक पहुंचने नहीं देती, जो ईश्वर से मिलने नहीं देती। और तीसरी नजर, अपनों की। और अपना कौन? इस संसार में अगर कोई अपना है तो एकमात्र गुरु हैं जो अपने हैं, और कोई भी अपना नहीं है। और किसी नाते को अपना नहीं कहा। मात, पिता, वनिता, सुत, बंधप, इष्ट, मीत, अरुभाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंते कोई न सहाई। माता, पिता, पत्नी, पुत्र, धन, परिवार, ये समस्त नाते जो मिलते हैं, पूर्व जन्म के बने संजोगी, पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण ये आपसे बंधते हैं, हमसे बंधते हैं। और अंते कोई न सहाई, अंत में प्रत्येक जीव को अकेले ही इस संसार से जाना पड़ता है। कोई नाता ऐसा नहीं है, कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो अंतकाल में जीव का साथ निभा सके। ये संसार अपना नहीं है, ये दुनिया, इसका कोई नाता अपना नहीं है। एकमात्र गुरु का नाता है जो अपना है। इसलिए संतों ने कहा, नाते तो लाखों मिले, लख चौरासी माही, सहजो सतगुरु ना मिले, पकड़ निकासे माही। संत सहजो बाई कहती हैं, नाते तो लाखों मिले, लाखों नाते मिलते हैं इस संसार के भीतर, लेकिन गुरु का नाता अपना नाता है जो इस 84 से मुक्त कर देता है, जो इन समस्त बंधनों से स्वतंत्र कर दिया करता है। गुरु का नाता ऐसा हुआ करता है, गुरु का बंधन ऐसा हुआ करता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बहुत सुंदर कहते हैं, उन्होंने कहा कि इस संसार में अगर एक साधारण सांसारिक व्यक्ति के साथ आप 99 अच्छे कार्य कर दें और एक उसकी बुराई कर दें, वो आपकी उस एक बुराई को याद रखेगा, 99 अच्छे कार्य भुला देगा। और गुरु कैसे हैं? आप गुरु का एक अच्छा कार्य कर दें, एक कार्य सिद्ध कर दें, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, और आप 99 बार उन पर अपकार कर दें, उनके साथ कुछ बुरा कर दें, लेकिन गुरु की दृष्टि आपके उस एक छोटे से अच्छे कार्य पर स्थिर रहा करती है, और वे आपके उस छोटे से कार्य को पकड़कर ही आपका कल्याण कर दिया करते हैं। ये गुरु की कृपा हुआ करती है। अपनों की नज़र, गुरु की नज़र। जब जीव गुरु के दृष्टि पथ में आ जाता है तो अवश्य ही जीव का कल्याण हो जाता है। नज़र लगना, सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो नज़र लगना नकारात्मक माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता। नज़र लगती है तो झट से हम चाहते हैं कि नज़र उतर जाए, कैसे भी करके उतार दें और व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। लेकिन
गुरु की नजर जब लग जाती है, भक्त जो है वो चाहते हैं कि वो गुरु के दृष्टि पथ में आ जाएं और हमेशा के लिए बने रहें। वो चाहते हैं कि गुरु की नजर हमेशा के लिए उन पर लग जाए और लगी ही रहे, क्योंकि वे जानते हैं जो गुरु के दृष्टि पथ में आ जाता है, जिस पर गुरु की नजर लग जाती है, उसकी हर नजर उतर जाती है, उसका हर कष्ट समाप्त हो जाता है, उसका हर बंधन समाप्त हो जाया करता है। गुरु की कृपा दृष्टि ऐसी है। किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, हे गुरु की कृपा दृष्टि, तू कितनी महान है। तूने आकर गुरुवर के चरणों में मुझको स्थान दिलाया और फिर चरणों से उठाकर उनके हृदय में बिठाया। सर्वस्व देकर जो ना उतरे वो तेरे एहसान है। हे गुरु की कृपा दृष्टि, तू कितनी महान है। हे गुरु की कृपा दृष्टि, तू कितनी महान है। गुरु की कृपा दृष्टि, जब जीव इस कृपा दृष्टि में आ जाता है, गुरु की इस अहेतु की कृपा को प्राप्त कर लेता है, तभी उसके जीवन का कल्याण होता है। गुरु की अहेतु की कृपा कैसी है, एक अनुभव आपके बीच में रखना चाहूंगे। एक भाई हैं, उन्होंने दीक्षा को प्राप्त किया 2013 में। नवंबर दिसंबर में उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया और जनवरी में महाराज जी समाधि में चले गए। जनवरी 2014 में महाराज जी के दर्शन नहीं किए, घर गृहस्थी में उलझ गए, साधना नहीं, अभ्यास नहीं, साधना नहीं, सेवा नहीं, गुरु का दर्शन नहीं, सत्संग नहीं, ज्ञान को नहीं समझ पाए, ज्ञान की कीमत को नहीं समझ पाए, जान नहीं पाए कि कौन सा अनमोल हीरा उनकी झोली में आकर गिर गया है, उनके आंचल में आकर गिर गया है, पता ही नहीं चला। उनके एक मित्र थे, ये मित्र उन्हें सत्संग सुनाया करते थे, उन्हें समझाते थे, कभी फोन करते, कभी मिलते, बार बार उन्हें समझाते, लेकिन ये उनकी एक भी बात नहीं सुनते। उनको आगे से प्रश्न करते, किसने देखा है, किसने मौत के बाद देखा, किसने 84 देखी, किसे पता कि मृत्यु के बाद 84 लाख होती भी है कि नहीं होती है, ये योनियां है भी या नहीं, किसे पता। एक दिन महाराज जी की कृपा हुई, अपने घर में सो रहे थे, स्वप्न में एक दृश्य देखा। और स्वप्न में क्या देखा, स्वप्न में देखा कि उनके हाथ में एक पिस्टल है, उस पिस्टल को उन्होंने अपने चिन पर रखा और गोली चला दी, गोली उनकी खोपड़ी के आर पार हो गई। अब गोली लग गई लेकिन दर्द से तड़प रहे हैं, पीड़ा से तड़प रहे हैं, लेकिन मृत्यु नहीं हो रही। अब कह रहे कोई मेरी आकर, कोई मुझे आकर दूसरी गोली भी मार दो ताकि कम से कम मेरी मृत्यु तो हो जाए। और थोड़ी देर में ही उन्होंने स्वप्न में ही देखा कि उनकी मृत्यु हो गई और उनका सूक्ष्म शरीर उनके शरीर में से बाहर निकल गया, उनके शरीर से बाहर निकला और अपने शरीर के पास खड़ा हो गया और हैरानी से देख रहे हैं अपने शरीर को कि मेरा शरीर मेरे सामने खड़ा है और मैं भी यही खड़ा हूँ, मेरा भी अस्तित्व है। अर्थात ये सच है कि मृत्यु के बाद भी बहुत कुछ हुआ करता है, मृत्यु के बाद भी हुआ करता है। और उसके बाद अभी देख ही रहे हैं कि इतने में उन्हें लगा कि कोई उन्हें ऊपर की ओर खींच रहा है, जाना नहीं चाहते लेकिन जबरदस्ती ऊपर की ओर खींचते चले गए। और थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अपने आप को एक नदी के किनारे पर पाया, एक भयंकर नदी उनके सामने से बह रही थी। उस नदी, वो नदी खून की नदी थी, उसमें खून था, पस थी, मवाद थी, भयंकर पशु उसमें थे, भयंकर जानवर उसके भीतर थे और कितने ही लोग उस नदी के अंदर डूब रहे थे और ये भयंकर पशु ने नोच नोच कर खा रहे थे। हमारे शास्त्रों में भक्तजनों, हमारे शास्त्रों में ऐसी ही नदी का वर्णन किया गया है। हमारे शास्त्रों में इसे वैतरणी नदी कहकर संबोधित किया गया है। वो नदी जब जीव भयंकर कर्म करके, पाप कर्म करके इस शरीर को छोड़ता है तो इसे इस वैतरणी नदी में से निकलना पड़ता है और इसके भयंकर दुखों को झेलना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। स्वयं को उस नदी के किनारे पर पाया इन भाई ने और सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या करना है। और इतने में नजर पड़ी, सामने उन्होंने देखा उनका वही मित्र उनके पास खड़ा था, सामने खड़ा था कुछ दूरी पर, जो उन्हें सत्संग सुनाया करता था। अब उन्हें थोड़ा सा हौसला हुआ, मन में आया कि अभी इसके पास जाता हूँ और अभी इससे बातचीत करता हूँ। और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, एकाएक नदी में एक नौका आई और वो भाई उस नौका, उनका वो मित्र उस नौका के भीतर बैठा और नौका चल दी। अब बड़े परेशान हुए, अब समझ नहीं आ रहा कि अब मेरी रक्षा कौन करेगा, अब क्या होगा। और इतने में कैसे करके वो, उन्होंने थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने आप को नदी के भीतर पाया,
नदी में डूब रहे हैं, चारों तरफ भयंकर पशु उन्हें नोच रहे हैं, चारों तरफ भयंकर चीखों पुकार की आवाजें आ रही हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, अब नहीं पता चल रहा, अब घबरा गए, अब आंखें बंद कर ली, अब समझ नहीं आ रहा मेरी रक्षा कौन करेगा। तभी याद आया कि मुझे महाराज जी ने, मुझे तो दीक्षा मिली है, ज्ञान मिला है, आशुतोष महाराज जी से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और जैसे ही ये ध्यान आया, उसने तुरंत महाराज जी से प्रार्थना करनी शुरू की, पुकारना शुरू किया, महाराज जी मेरी रक्षा करो, महाराज जी मुझे बचाओ, महाराज जी मुझे मेरी इससे रक्षा करो। और जैसे ही प्रार्थना की, उसने देखा कि नदी के स्तर पर, नदी के स्तर से थोड़ा सा ऊपर महाराज जी नदी पर प्रकट हो गए। बड़ी ही गंभीरता से उनको देख रहे हैं, बड़ी ही गंभीरता से उनको निहार रहे हैं। महाराज जी ने एक भी शब्द अपने मुख से नहीं कहा और थोड़ी ही देर में महाराज जी जो है अदृश्य हो गए। और महाराज जी के स्थान पर एक साध्वी बहन वहां पर प्रकट हो गई और उन साध्वी बहन ने उन भाई से कहा, भैया आपको एक मौका दिया गया था, आपको एक मौका मिला था, आपको ब्रह्म ज्ञान मिला था, दीक्षा मिली थी, लेकिन आपने आपने साधना नहीं की, आपने ध्यान नहीं किया, अब तो आपको कोई नहीं बचा सकता, अब आपका कुछ नहीं हो सकता, अब तो आपको भयंकर कष्टों को भोगना पड़ेगा, अब तो आपको कितनी योनियों के भीतर भटकना पड़ेगा। और इतना कहकर वे साध्वी बहन अदृश्य हो गई और थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने आप को एक पशु के गर्भ में पाया। बड़ी ही घुटन वहां पर महसूस कर रहे थे, वहां बहुत घुटन थी, बहुत अंधेरा, इतना कि वे व्याकुल हो गए, तड़पने लगे, महाराज जी से प्रार्थना करने लगे, महाराज जी मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, महाराज जी प्रार्थना करने लगे। और इसी झटके के साथ ही उनकी आंख खुल गई और जैसे ही आंख खुली, उन्होंने स्वयं को अपने कक्ष के भीतर पाया। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे ये समझने में बहुत समय लग गया कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ, मैं जीवित हूँ या नहीं। बहुत समय बाद जब आस पास देखा, ये मेरा कमरा है, ये पर्दे मेरे कमरे के अंदर लगे हैं, ये सोफा है, अपने ध्यान से देखा, तब कहीं जाकर बहुत देर बाद उन्हें समझ आया कि मैं जीवित हूँ, बहुत देर बाद उन्हें पता चला, इस घटना की समझ आई। महाराज जी की अहेतु की कृपा नहीं तो क्या कहेंगे। पहली बात, ज्ञान दे दिया, समझ नहीं ज्ञान की, पता नहीं, कीमत नहीं है ज्ञान की, लेकिन महाराज जी ने ज्ञान दे दिया। और दूसरी बात, ज्ञान की कीमत नहीं है, पता ही नहीं कि कौन सी चीज मिल गई है, पता ही नहीं कि इस रास्ते पर चलेंगे तो क्या मिल जाएगा, क्या उपलब्धि हो जाएगी, कैसा अमूल्य मार्ग मिल गया है, जानते ही नहीं, समझ ही नहीं। और महाराज जी स्वप्न में आकर, महाराज जी समाधि में हैं और ऐसी स्थिति में महाराज जी स्वप्न में आकर चेतावनी दे रहे हैं, समझा रहे हैं, अभी भी संभल जा, अभी भी ध्यान कर, साधना कर, तुझे इतनी अमूल्य वस्तु मिली है, इतनी अनमोल वस्तु मिली है, इसे कहीं खो मत देना, महाराज जी समझा रहे हैं। अहेतु की कृपा नहीं तो क्या है, महाराज जी की अहेतु की कृपा, गुरु की अहेतु की कृपा है ये। आज भी महाराज जी की अहेतु की कृपा ही तो है। महाराज जी ने कितने अपने शिष्यों पर अहेतु की कृपा की, उन्हें ज्ञान प्रदान किया, उन्हें दीक्षा प्रदान की और उन्हें भक्ति के पथ पर बढ़ा दिया, अहेतु की कृपा। और महाराज जी की इस अहेतु की कृपा को समझना है तो एकाग्रता चाहिए, महाराज जी के वचनों पर एकाग्रता, महाराज जी के शब्दों पर एकाग्रता। और महाराज जी के वचन कौन से, महाराज जी के वचन है ध्यान करो, साधना करो, ये महाराज जी के वचन है, उन पर एकाग्रता चाहिए, उन पर अपने आप को एकाग्र करना होगा ताकि गुरु की इस महती कृपा को समझ सके। महाराज जी ने लाखों लोगों को, कितने लोगों को ध्यान के माध्यम से समझाया है कि साधना करनी होगी। और आज नहीं, महाराज जी जब समाधि में नहीं थे तब भी महाराज जी के यही वचन रहे हैं, महाराज जी यही समझाते रहे हैं कि साधना करनी होगी। कोई भी समस्या लेकर कोई भी व्यक्ति महाराज जी के पास जाते थे, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, कैसी भी समस्या, महाराज जी हमेशा उनसे यही कहते रहे हैं, साधना करो, ध्यान करो, साधना ही समस्त समस्याओं का समाधान करती है। और आज भी महाराज जी के यही वचन है, ध्यान में आकर, साधना में आकर, अनुभवों में आकर आज भी महाराज जी यही समझा रहे हैं कि साधना करो, ध्यान करो, साधना में ही समस्त समस्याओं का समाधान है। महाराज जी के वचनों पर ध्यान को एकाग्र करते हैं, अपने आप को एकाग्रित करते हैं। अगर महाराज जी कृपा को समझना है तो एकाग्र, अगर अपने मन को एकाग्र करेंगे तभी सदगति है, अगर एकाग्र नहीं कर पाए तो एक पतंग होती है। जो व्यक्ति उसे आकाश में उड़ाता है, बड़ी एकाग्रता चाहिए होती है उसे उड़ाने के लिए, जरा सी एकाग्रता, जरा सा ध्यान इधर से उधर भटका नहीं, पतंग और पतंगों में उलझ जाती है, कट जाती है, किसी पेड़ में उलझ जाती है।
बस में, अगर आपने बस में यात्रा करते हैं आप, तो बस में एक निर्देश लिखा होता है कि बस की पहली, दूसरी और तीसरी सीट्स पर सोना मना है, एक, दो और तीन सीट्स पर सोना मना है। किस लिए? सबसे आगे की सीट है एक, दो और तीन, अगर ड्राइवर का ध्यान आप पर चला गया, अगर ड्राइवर का ध्यान भटक गया और उसकी झपकी लग गई तो एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। गुरु के वचनों पर अपने मन को, अपने हृदय को एकाग्र कर दें, और जब गुरु के शब्दों पर, गुरु के वचनों पर मन को एकाग्र कर देते हैं तभी सदगति है। जरा सा ध्यान हटा, इधर से उधर हुआ, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जैसे ही सावधानी को छोड़ा वैसे ही दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। अपने आप को एकाग्र कर दें। और एकाग्रता सजनों, एकाग्रता दो तरह की होती है, सहज एकाग्रता और अर्जित एकाग्रता। सहज एकाग्रता जिस विषय में हमारी रुचि होती है, उस विषय से संबंधित कार्य हमें करने के लिए दे दिया जाए तो हमारी मेहनत नहीं लगती, परिश्रम नहीं लगता, सहज ही हमारी एकाग्रता बनती है क्योंकि रुचि का विषय है। अर्जित एकाग्रता, बहुत बार हमें ऐसा कार्य मिल जाता है करने के लिए जिसमें हमारी रुचि नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, करना पड़ रहा है। हम क्या करते हैं, कार्य करना आवश्यक है, रुचि हो या ना हो, हम एकाग्रता अर्जित करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, अपना ध्यान हर विषय से उठाते हैं, कार्य पर केंद्रित कर देते हैं, हम अर्जित करते हैं उस एकाग्रता को। ध्यान के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, गुरु के वचनों पर, गुरु के शब्दों पर अगर मन सहज एकाग्र हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मन सहज एकाग्र नहीं हो पाता, हमारे पूर्व जन्म के भक्ति नहीं है, संस्कार नहीं है, हम गुरु के चरणों के साथ गुरु की महती कृपा के कारण जुड़े हैं, हमारा सहज ध्यान नहीं लग पा रहा, सहज एकाग्रता नहीं हो पा रही, तो हम अर्जित कर लें। और अर्जित करने का साधन क्या? अर्जित करने का साधन है साधना, साधना, ध्यान और आत्मविश्लेषण। साधना है मन को साथ लेना ध्यान के माध्यम से, अपना समय दें ध्यान के लिए, और आत्मविश्लेषण के माध्यम से अपना आत्मविश्लेषण करें, अपना सेल्फ एनालिसिस करें, अपने छिद्र अन्वेषण करें, अपनी कमियों को ढूंढें, अपनी कमियों को देखें, उन कमियों पर कार्य कर लें। और जब हम उन कमियों पर कार्य करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, अपने जीवन को संवार लेते हैं, अपने जीवन को बना लेते हैं, तो ऐसा भक्त है जो गुरु का प्रिय हो जाया करता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद नरेंद्र के वक्ष पर चरण रखा। नरेंद्र ध्यान की अतल गहराइयों में उतर गया, ध्यान लग गया। किसी ने कभी प्रश्न किया, किसी ने कभी पूछ लिया, गुरुदेव तो भेदभाव करते हैं, उन्होंने नरेंद्र की छाती पर पैर रखा, उसका ध्यान लग गया, मुझे भी तो अपने चरण से स्पर्श किया था, मेरे भीतर तो कोई परिवर्तन नहीं आया, मेरा तो कोई ध्यान नहीं लगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस तक बात पहुंची, उन्होंने कहा, सारे का सारा श्रेय पैर को नहीं जाता, कुछ श्रेय छाती को भी जाता है। जिन्होंने गुरु के वचनों को अपने जीवन के भीतर धारण कर लिया, गुरु के शब्दों को अपने जीवन के भीतर धारण कर लिया, अपने जीवन का निर्माण कर लिया ध्यान से, साधना से, गुरु के वचनों का अनुसरण करते हुए, ऐसे ही शिष्य हैं जिन पर गुरु गर्व करते हैं, जिन्हें गुरु प्रेम करते हैं, जिनके योग क्षेम का वहन गुरुदेव स्वयं किया करते हैं। इसलिए इन सत्संग विचारों के अंतिम क्षणों में गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना रखते हुए, हम भी इस मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को गुरु के वचनों के अनुसार, गुरु के शब्दों के अनुसार ढाल सकें, ताकि हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी भी हम पर गर्व कर सकें, हम पर मान कर सकें। और इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी। आइए अंत में जय घोष अर्पित करते हैं गुरुदेव के चरणों में। बोलिए श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।